तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आज आपके लिए मैं वीडियो हमेशा की तरह एक कंटेंट लेकर के आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए हार्डवेयर सेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आया हूं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज का जो कंटेंट है हमारा, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हार्डवेयर से रिलेटेड है। और दूसरी चीज़, एक रियलमी का आप जानते हैं, मैं रियलमी का ये आज मैं प्रैक्टिकल वीडियो देने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये मेरे हाथ में एक सेट है, मैं सारा चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करने वाला हूँ। ये रियलमी का एक फ़ोन आया था जो कि डेड कंडीशन में था। ये हमारे स्टूडेंट का फ़ोन है और ये स्टूडेंट का फ़ोन था। स्टूडेंट के सामने ये सारा चीज़ फाइंड आउट हो चुका है। तो मैं चाह रहा था फ्रेंड्स कि आपके सामने मैंने एक फुल डिटेल में एक वीडियो देनी थी। तो इसमें ये जो फ़ोन डेड था, स्टूडेंट ने डेड कंडीशन में दिया हुआ था। तो मैं सारा चीज़ अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको, वीडियो के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा फुल, इसकी लाइनों को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद में फ्रेंड्स आपको मैं बताऊंगा, इसको मैं प्रैक्टिकली तौर से करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली ये फ़ोन जो फ्रेंड था, ये फ़ोन था, ये फाइनली बहुत ही छेड़ा हुआ था। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे इसकी मैं अगर पुरानी पिक होगी स्टूडेंट के पास तो मैं दिखाऊँगा। तो ये जो सेक्शन था ग्राफिक्स और हमारा लाइट का जो सेक्शन था, वो पूरी तरीके से डैमेज था यहाँ पे। तो मैं एक बार फाइनली फिर से करके दिखाऊंगा। तो फ़ोन तो फाइनली ऑन हो गया था फ्रेंड्स, बट इसमें ग्राफिक्स और लाइट नहीं आ रही थी। इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रही थी और लाइट भी नहीं आ रहा था। तो उसके ग्राफिक्स सेक्शन पे हम ये सारा काम करेंगे, ग्राफिक्स और लाइट पे पूरा। इस पे हम रियलमी 2 पे काम करने वाले फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रियलमी 2 का ग्राफिक्स, और यहाँ पे सेक्शन पे, यहाँ पे इसका लाइट का सेक्शन है फ्रेंड। और ये सारा चीज़ यहाँ पे फ़ोन ऑन है और ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि फाइनली फाइनली टच हो चुका है। और इसमें क्या क्या काम हुआ है सारा चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप इस फ़ोन का यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो मैं इस फ़ोन को प्रॉपर तरीके से आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद का वीडियो मैं आपके सामने कंटेंट को रखता हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बोर्नियो को ओपन कर लेता हूँ। बोर्नियो को ओपन करूँगा फ्रेंड्स, और उसके बाद बोर्नियो में मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन इसका हम सारा चीज़ यहाँ पे करके देखने वाले हैं। तो फटाक से इसके बोर्नियो को ओपन कर लेते हैं। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, मैं यहाँ पे लाइट सेक्शन और इसका लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन मैं फुल एक्सप्लेन करने वाला। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं जो खोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें देखेंगे आप रियलमी टू को खोलेंगे। रियलमी टू खोलने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे सेक्शन जो हमारा है, सबसे पहले हम इसका ग्राफिक्स का लाइन देख लेते हैं। तो ग्राफिक्स की लाइन हम जाएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे LCD PDF को हम ओपन करेंगे। LCD PDF को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो बस जल्दी से हमारा ये खुल जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा ये सेक्शन खुल चुका है, ये हमारा लाइट ग्राफिक्स सेक्शन खुल चुका है। तो इस ग्राफिक सेक्शन को हम यहाँ पे फुल एक्सप्लेन करेंगे अभी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं और हम कनेक्टर से इसकी शुरुआत करते हैं। सारा चीज़ यहाँ पे आपको विद प्रैक्टिकल यहाँ पे देंगे, यही चीज़ फुल प्रैक्टिकल देने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए, ये इसका डिस्प्ले और यहाँ पे टच और यहाँ पे लाइट, इस सारे यहाँ पे कनेक्टिविटी है। इसके यहाँ पे कनेक्टर्स हैं, मैं थोड़ा और जूम करूँगा। जूम करके यहाँ पे मैं आपको सारी लाइनों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसके कनेक्टर हैं। डिस्प्ले, टच और लाइट सब इसी में कनेक्ट जुड़े रहते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले का कनेक्टर बोलते हैं इसे बेसिकली, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको मैं एक एक लाइन को थोड़ा सा और जूम करूँगा और हर एक लाइन को एक्सप्लेन करके यहाँ पे इस बोर्ड को दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं जो हमारी ऊपर की लाइन है, ये हमारा भी मैंने ग्राफिक्स की लाइन खोली हुई है। ये हमारी डाटा की लाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारी जो रेड कलर की होती है, ये हमारे वोल्टेजेस की लाइन होती है VREG, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, मतलब आपको जो पिन का जो पिन आउट है, पिन का नंबर आपको देखना है कौन सी वाली पिन है। तो यहाँ पे पिन आउट का नंबर नहीं दिया है, बट आप पिन आउट का नंबर इसमें आप जो हमारा A3S होता है, A3S भी आप जाएंगे तो सेम आपको मिल जाएगा, सेम आपको A3S में भी मिल जाएगा। तो ये हमारा कनेक्टर है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर है यहाँ पे। तो इन कनेक्टर के बारे में यहाँ पे डिटेल करूँगा आपको सारी चीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ये कनेक्टर लगा हुआ है।
अब ये जो हमारा कनेक्टर है यहाँ पे हमें 1 2 ये जो हमारी लाइनें हैं ये हम देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे 1, ये 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 वाली लाइन हमारी VREG की लाइन है जो कि कहाँ से आ रही है, सारा चीज़ आप ट्रेस करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो डाटा की लाइनें हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक भी लाइन, एक लाइन को मैं ऊपर की एक सप्लाई या ग्राफिक्स सप्लाई और एक डाटा की सप्लाई आपको फुल ट्रेस करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपके पास जिनके पास ये स्टेमेटिक डायग्राम टूल नहीं है तो वो हमारे इस वीडियो को देख करके बहुत ही इजी तरीके से ये बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डुअल कॉइल लगे हुए हैं, आप एक लाइन से देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे एक डुअल कॉइल लगे हुए हैं जो कि मैं यहाँ पे फुल आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये देख सकते हैं डुअल कॉइल यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये सारे डाटा की लाइन है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो नीचे की लाइनों की मैं बात कर लेता हूँ, 1 1 पिन आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पे बायक कॉइल के थ्रू यहाँ पे जा रहा है, और ये जो होती हैं सारी ये CPU से आती हैं फ्रेंड्स, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा और सारा चीज़ मैं यहाँ पे प्रोसेस करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं सेकेंड लाइन को अगर हम देखते हैं, सेकेंड लाइन ये आप देखते हैं LED ID 1 ID 2, मतलब ID डाटा की लाइन होती है, डाटा 1 डाटा 2। तो देख सकते हैं आप ये हमारी बेसिकली ये जो हमारी सेकेंड वाली लाइन है, सेकेंड की लाइन ये देखिए, और जाएंगे हम फ्रेंड्स और इसको जूम आउट करते हैं तो भी हमें मिल जाता। तो देखिए सीधा और सीधा ये CPU में जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बायक कॉइल और कैपेसिटर के होते हुए सीधा और सीधा ये हमारा CPU में जा रहा है फ्रेंड। मैं अब इसको जूम आउट करूँगा और जूम आउट करने के बाद फुल एक्सप्लेन यहाँ पे आपको कर देता हूँ, जिससे कि एक बार में आपको, क्योंकि वीडियो भी प्रैक्टिकल करके भी दिखाना है तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड जो इसकी डाटा की लाइन है वो यहाँ पे बाया डुअल कॉइल के थ्रू फ्रेंड वो सीधा और सीधा ये जा रही है, सीधा CPU में जा रही है फ्रेंड। आप देख सकते हैं बाया यहाँ पे इसकी जो लाइन है, इसकी जो ट्रेसिंग है, आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी देखनी है, मतलब इन सभी पिनों पे हमारी रीडिंग आनी चाहिए। अगर एक पिन पे भी रीडिंग नहीं आ रहा है तो आपका ग्राफिक्स नहीं बनेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड। और जो हमारी वोल्टेजेस की लाइन है, जो हमारी वोल्टेज की लाइन है वो आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पे आपका यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल जाएगा बाया एक कॉइल के होते हुए। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा जो कि बहुत बड़ा मैटर है ये, और ये मैं प्रैक्टिकली तौर से आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं एक कॉइल के थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन जो हमारी है डाटा की लाइन, ये देखिए यहाँ पे आउट की लाइन यहाँ पे आ रही है, जो कि जैसे ही कि आप वहाँ पे लगाएंगे डिस्प्ले को तो वहाँ से आउट वहाँ पे वोल्टेजेस आएगी, तो सिग्नल आएगा तो वो आपको जा करके यहाँ पे पावर मैनेजमेंट पे जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से आपको कंटिन्यूटी लेना है, इसकी जो IC है, IC के पिन आउट यहाँ से आप देखेंगे, और ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है ये आप देखेंगे सीधा VDI SPM, उसके बाद आप जाके देखेंगे तो फर्स्ट वाली कनेक्टर पे हमारी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं आ रही है यहाँ से लेकर के फ्रेंड्स, तो आप सीधा यहाँ पे जंपर, यहाँ से एक जंपर उठाएंगे और आप सीधा कनेक्टर की पहली वाली पिन पे जंपर मार सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको कहने का मतलब ये है, फुल डिटेल में यहाँ पे ये बता देता हूँ फ्रेंड, ग्राफिक्स की लाइन एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। मतलब अगर यहाँ पे आपका रियलमी 2 या A3S मॉडल आता है तो 1st 3rd 6 और यहाँ पे 1 2 3 3 पे 4 5 6 7 8 9, मतलब इन पे हमारी रीडिंग आनी चाहिए, तब जाके ग्राफिक्स जनरेट होगा, नहीं तो ग्राफिक्स नहीं आएगा। और ये हमारी डाटा की लाइनें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पे नहीं, 7 8, यहाँ पे सारी पिनों पे हमारी रीडिंग आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, तब जाके काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। रियलमी 2 का LCD डिस्प्ले यहाँ पे ग्राफिक्स की है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं डुअल कॉइल लगी, तो ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं आपको सीधा PC में आता हूँ और यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। और जस्ट यहीं पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे लाइट का सेक्शन भी है, तो लाइट का भी सेक्शन देखना है तो मैं एक बार लाइट का भी हाईलाइट कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए 6 LED की लाइट लगी हुई है यहाँ पे, 6 LED की लाइट है, ये इसका आउटपुट का डायोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये इसका कैपेसिटर है, ये इसका बूस्ट कॉइल है, ये लाइट सेक्शन है फ्रेंड। तो आपको लाइट सेक्शन में भी देखना है तो सीधा डबल क्लिक करेंगे, और ग्राफिक्स और लाइट मैंने दोनों ही बोला था, तो ग्राफिक्स और लाइट को आप दोनों ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने उस बोर्ड में दिखाया था, तो फटाक से मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वीडियो आपको थोड़ी सी बड़ी है पर पूरी हेल्पफुल वीडियो है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो देख सकते हैं, देखिए 6 LED की लाइट, 6 LED की IC है हमारी, ये बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, और ये बूस्ट कॉइल ये देखिए सीधा, हम थोड़ा सा और जूम करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा और हम जूम करेंगे, तो LCD कैथोड एनोड की दो लाइनें सप्लाई है हमारी बन रही है।
तो ये देखिए रेड वाली जो आउटपुट है इसका, रेड लाइन यहाँ पे आप देखेंगे, ये बाया आईसी से होते हुए और सीधा ये कनेक्टर्स पे जाएगा फ्रेंड। तो देखिए ये कनेक्टर पे जा रहा है, ये लाइन है सप्लाई हमारी कैथोड की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो कैथोड और एक एनोड, यहाँ पे एक एनोड मिल गया और दो कैथोड हमारी मिल गई। मतलब आप राइट साइड से कॉर्नर से सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर, फाइव नंबर की लाइनों पे रीडिंग आनी चाहिए। अगर इन केस नहीं आती तो डायरेक्टली आप यहाँ से उठा करके एक जम्पर या कैथोड की लाइन या एनोड की लाइन, कोई भी लाइन एक मिसिंग होती है, तो आप यहाँ से सिंपली तरीके से एक जम्पर को लगा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाक से मैं इस पीसी में आता हूँ, फाइनली इसको आपको फुल ट्रेसिंग करके सब कुछ फटाफट बता देता हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पे बोर्नियो में देखा, वैसे ही मैं आपको अभी बोर्ड में फटाक से करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बोर्ड है हमारा रियलमी का 2A बोर्ड है, जैसा कि आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। तो ये इसके कनेक्टर्स है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर्स को मैं पूरे प्रॉपरली तरीके से इसको आपको ट्रेसिंग करके दिखा दूंगा कि क्या है। तो मैंने आपको जो बताया था फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो सारी चीज़ आपको बताई हुई थी, तो इसके जो वन पिन है, इसका जो वन पिन है और जो इसकी ये जो ऊपर की लाइनें हैं, इसकी ग्राफिक्स की लाइन है, ये जो नीचे की लाइन है फ्रेंड, ये इसकी डाटा की लाइन है। तो डाटा की लाइनें फाइंड हमने किया, जब फाइंड हमने किया था तो डाटा की लाइन में किसी भी लाइन पे फ्रेंड्स रीडिंग नहीं आ रही थी। तो आपको मैं यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा और दिखाना चाहूँगा कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये डाटा की मैंने सारी लाइनों को जम्पर कर दिया है। अब थोड़ा सा उसको जूम करेंगे तो जूम करके आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा फ्रेंड, तो यहाँ पे सारी लाइनों को हमने जम्पर कर दिया है उसके बोर्ड में। जैसा कि बोर्डिंग हमने दिखाया था तो यहाँ पे एक भी रीडिंग नहीं आ रही थी, डाटा की लाइन पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही थी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे सारा यहाँ पे जम्पर कर दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन से हमने सारे को जम्पर कर दिया है, ये देख सकते हैं। अगर आपको जम्पर यहाँ पे दिखाई दे रही होगी तो मैंने सारे बूस्ट कॉइल को निकाल करके यहाँ पे हमने जम्पर को कर दिया है। अब जैसे ही जम्पर को आपने देखा तो हमारी डाटा लाइन तो ठीक हो गई, पर जो हमारी यहाँ पे आउटपुट की लाइन थी फ्रेंड, जो हमारा फर्स्ट नंबर पे था, उसकी मैं रीडिंग आपको करके दिखाना चाहूँगा कोल्ड टेस्टिंग। तो थोड़ा सा मल्टीमीटर में भी देखिएगा, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फ्रेंड, और मल्टीमीटर में देखिएगा, मैं फर्स्ट वाले पिन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राउंड ग्राउंड आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर करके देखूँ तो करके देखूँगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं आ रही है, कोई भी रीडिंग हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है। आप नीचे भी देख सकते हैं मैंने फर्स्ट वाले पिन पे लगाया हुआ है, यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। तो जैसा कि हमने बताया था, ये जो पहली वाली पिन है फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे आपकी पहली वाली पिन है, ये डायरेक्टली ये जो पहली वाली पिन है, आप यहाँ से इसकी लाइन जो थी, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो जो पहली वाली कंटिन्यूटी थी, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर में आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे भी आपका वन ही मिलेगा, क्योंकि ये आउटपुट की लाइन है, आउटपुट की लाइन में हमेशा वन ही मिलता है जो कि सीपीयू को जाता है। तो आउटपुट में आपने देखा था वहाँ पे आउटपुट लिखा था, तो आउटपुट में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस थोड़ा सा और जूम करेंगे सर, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं इस कैपेसिटर से फ्रेंड्स, इस ये जो सेक्शन है ग्राफिक्स का जो सेक्शन है, मैं इस कैपेसिटर से एक जम्पर लूंगा और यहाँ पे इसकी पहली वाली पिन पे फ्रेंड मैं यहाँ पे जम्पर करने वाला हूँ। तो चलिए आपको सारी लाइन, मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले ही डिस्कस किया है, आपको फुल एक्सप्लेन किया है कि जो इसकी ग्राफिक्स की लाइन है, सबसे पहले आपको वहाँ पे देखना है, मतलब इन जो पिने हैं इनकी टच की लाइन है, यहाँ पे जो लाइट की लाइन है, यहाँ पे सभी पे हमारी रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग आएगी तभी वो सेक्शन काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा फ्रेंड। तो हमारे जो पहली वाली पिन थे उसमें रीडिंग नहीं आ रही थी, रीडिंग वन ही आएगी वहाँ पे, क्योंकि आउटपुट की लाइन है, जब वहाँ पे डिस्प्ले लगेगा तब वहाँ पे रीडिंग आपकी बनेगी। तो वहाँ पे आप देख सकते थे मैंने जब कंटिन्यूटी लिया तो वहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। तो फाइनली मैं इसको जंपर मार के आपको फटाक से फ्रेंड दिखा देता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक पिन पे ये देखिए, जैसा कि जो मैंने एक जंपर ले लिया है, आपने मैंने क्योंकि ये बोर्डनी में भी आपको दिखाया हुआ है फ्रेंड, इसकी फर्स्ट वाली पिन पे मैंने एक जंपर ले लिया है, और इसके मैं पीछे दिखाना चाहूँगा जस्ट। अब देखिए मैंने उस जो कैपेसिटर आपको दिखाया था, उस कैपेसिटर से भी हमने जंपर ले लिया है। तो उस देखिए जो मैं ट्रैक ओपन हो गई थी, पहली बात तो ये सारे कॉयल्स को हमने जंपर लगाया हुआ है, ये भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, सारे कॉयल्स को हमने प्रॉपरली जंपर कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे सारी लाइन ब्रेक थी यहाँ पे फ्रेंड्स। अब देखते हैं लगा करके ये हमारा काम करता है कि नहीं करता है। तो चलिए फाइनली हमने यहाँ पे एक जंपर जो था, आप देख सकते हैं जो हमने जंपर आपको बताया था, ये जंपर हमने कर दिया है फर्स्ट वाली पिन पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड की फर्स्ट वाली पिन पे हमने यहाँ पे जंपर कर दिया है। आपको मैं दिखाने को ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाली पिन पे हमने जंपर कर दिया, और साइड में आप देखेंगे जहाँ पे सारे पे हमने आपको दिखाया था डुअल कॉयल लगे हुए थे, सभी को हमने निकाल करके प्रॉपरली जंपर कर दिया है। मैं बैक साइड दिखाना चाहूँगा, बैक साइड में आप देखेंगे ये जो कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर से एक जंपर, ये जंपर वायर आप देख रहे होंगे, इस कैपेसिटर के थ्रू मैंने एक जंपर और यहाँ पे फर्स्ट वाली पिन पे जंपर दे दिया है। अब फाइनली देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा यहाँ पे काम होता है कि नहीं होता है। चलिए यहाँ पे हम ये लगा देते हैं और ये थोड़ा सा चार्ज कर,
तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा ये फ़ोन ऑन हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन ही कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। ये स्टूडेंट का फ़ोन था, डेड आया था, तो हमने सारा फाइंड आउट किया था। इसके जो यहाँ पे पार्ट्स थे लाइट सेक्शन के जो इधर थे फ्रंट, मैं आपको फिर से एक बार फटाक से एक जो काम हुआ एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ फटाक से। तो ये तो पहली बात तो ट्रैक ब्रेक था फ्रंट। उसके बाद यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं सेक्शन को, आप देख रहे हैं सारे छड़ा हुआ था, तो हर एक कॉम्पोनेंट्स को हमने यहाँ पे चेंज किया, ऐसे रिप्लेस किए। तो यहाँ पे सारे काम हुए हैं फिलहाल, तो यहाँ पे सब कुछ हमारा ओके हो गया, जॉब डन हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना बोले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।